आन शान से कदम कदम हसीन है, कदम कदम हसीन है। ये वो ही सरजमीन है, ये धरती सोनी रंगली, यहाँ रब की मेहर बसे, यहाँ नीर बहे मस्तानड़े, यहाँ पावन पवन बहे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। इस सीरियल में हम पेश करने जा रहे हैं अपनी सरजमी के एक ऐसे सपूत की कहानी जिसे हम रंजीत सिंह, महाराजा रंजीत सिंह, सरकार खालसा, सिंह साहब, शेरे पंजाब जैसे नामों से याद करते हैं। रंजीत सिंह 19वीं सदी में हिंदुस्तान के आखिरी खुदमुख्तार स्वायत्त राजाओं में से एक थे। उनकी प्रभुसत्ता को अंग्रेजों ने भी स्वीकारा। रंजीत सिंह के जीते जी अंग्रेजों ने पंजाब की तरफ आंख उठाने की जुर्रत तक नहीं की। एक विशाल खालसा राज चलाने वाला ये इतिहास पुरुष करीब 225 साल पहले पंजाब की धरती पर जन्मा। सिख गुरुओं की प्रेरणा के अनुसार उसने 50 बरस तक हलीमी से राज किया, यानी कि एक ऐसा राज जिसमें कोई जोर जबर, कोई दमन, कोई भेदभाव नहीं था। सभी जात और सभी धर्मों के लोगों को बराबरी का दर्जा दिया और उन्हें सरकार में औहदे दिए। रंजीत सिंह के शासन काल में खालसा राज की ताकत ने हमलावरों के लिए दर्राए खैबर का दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया। रंजीत सिंह ने अपने राज को खैबर से सतलुज और लद्दाख से सिंध की सरहदों तक फैला दिया। उनके शासन काल में सुख, समृद्धि, अमन और खुशहाली के ऐतिहासिक महत्व को समझने के लिए हमारे लिए जरूरी है कि हम इस कहानी को इतिहास के पिछले पन्नों से शुरू करें। 18वीं शताब्दी के आरंभ में मुगल बादशाह औरंगजेब की मौत के बाद भी हिंदुस्तान में जुल्म, दहशत और मातम का लंबा दौर जारी रहा। पंजाब हिंदुस्तान की सरहदों का निगहबान और पहरेदार रहा है, इसलिए सबसे ज्यादा कुर्बानियां और सबसे ज्यादा मातम पंजाब के हिस्से में आए। सम्राट अशोक और अकबर महान ने जिस हिंदुस्तान के नक्शे को पश्चिम में ईरान, पूरब में बर्मा, उत्तर में अफगानिस्तान और दक्षिण में लंका द्वीप तक फैला दिया था, वही हिंदुस्तान दिल्ली में सिर्फ चांदनी चौक से लाल किले तक सिमट कर रह गया। तारीख के तंदूर में हिंदुस्तान सुनहरी रोटी की तरह सिक रहा था, जिसके टुकड़े निगलने के लिए फ्रांसीसी, पुर्तगाली और अंग्रेज लार टपका रहे थे। रंजीत सिंह के शासनकाल से पहले खालसा राज की आस लिए उसका सपना संजोए हुए नवाब कपूर सिंह जी और जस्सा सिंह आलूवालिया जी, रंजीत सिंह के पड़दादा नौत सिंह जी और दादा चलत सिंह जी, कितने ही खालसे मौजूदा हुकूमत के जोर जबर और अत्याचार से जूझ रहे थे कि खैबर के दर्रे से एक और तूफान उठा। Thank you.
बना रहा है, गोला डाल। नादिर शाह, नादिर शाह, नादिर शाह, नादिर शाह। खालसा जी, नादिर शाह की फौजें आ रही है। एक भी बच के नहीं जाना चाहिए। बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल। पहले हरी सिंह पजवाड़ के साथ दो दो हाथ तो कर लो लुटेरे। कौन है ये जुनूनी सिख जो जान हथेली पर रखकर नादिर शाह जैसी ताकत से टकराने का हौसला रखते हैं? हम सिखों को मरने का खौफ नहीं है। हम तो वैसे भी अपने सर पर कफन बांधकर घूमते हैं। गुरुओं की परंपराओं से प्रेरित हैं ये सिख। सिख यानी गुरु से सीखने वाला। सिख धर्म की नींव 15वीं सदी में गुरु नानक देव जी ने रखी थी। गुरु महाराज ने प्रेम, समानता और न्याय संगत आचरण का पाठ दिया। गुरु जी रूढ़िवादी प्रथाओं के सख्त खिलाफ थे। गुरु सिख परंपरा के निर्माण में हिंदू, मुसलमान, दलित सभी आ मिले। सब लोग समान रूप से मिल बैठकर कीर्तन करते और लंगर छकते। ये प्रथा आज भी संगत और पंगत के नाम से जानी जाती है। सच्चे ज्ञान का प्रसार करने के लिए गुरु नानक देव जी ने दूर दूर की यात्राएं की। मक्का, लंका, लद्दाख, आपने संतों, पीरों, फकीरों के साथ गोष्ठियां की। गुरु नानक देव जी ने अपना उत्तराधिकारी अपने बेटों की अपेक्षा एक शिष्य को बनाया और कहा, तू मेरा अंग है, इसलिए आज से तू अंगद कहलाएगा। गुरु अंगद देव जी ने अपने गुरु की परंपराओं को जारी रखते हुए उनके द्वारा संकलित वाणी और गुरुमुखी का प्रसार किया। गुरु अंगद देव जी के बाद गुरु अमरदास जी ने जोत को संभाला। 16वीं सदी में ही तीसरे गुरु अमरदास जी ने सती प्रथा का विरोध करते हुए विधवा विवाह का प्रचार किया, औरतों में पर्दे की रस्म की मुखालफत की। गुरु अमरदास जी ने सिख धर्म को बढ़ाते हुए
उस वक्त के हिंदुस्तान के 22 सूबों की तरह 22 मंजियां यानी प्रचार केंद्र स्थापित किए। ये 22 मंजियां राजनीतिक सीमाओं से बंधी नहीं थीं। इनके मुखियों में कुछ महिलाएं भी थीं। एक बार शहंशाह अकबर गुरु अमरदास जी से मिलने आए और उनके दर्शन से इतने प्रभावित हुए कि गुरु महाराज को जागीरें देने लगे। गुरु महाराज ने मना कर दिया तो अकबर ने कुछ गांव गुरु जी की बेटी को भेंट स्वरूप दे दिए। गुरु अमरदास जी के बाद गुरु गद्दी पर उनके दामाद चौथे गुरु रामदास जी विराजमान हुए, जिन्होंने पवित्र अमृत सरोवर की सेवा की, निर्माण कार्य किया और उसके पास एक गांव बसाया रामदासपुर। सन 1588 में पांचवें गुरु अर्जन देव जी ने इसी अमृत सरोवर में हरमंदर साहब जी का निर्माण कार्य प्रारंभ किया, जिसकी नींव लाहौर के महान मुस्लिम सूफी संत साईं मियां मीर जी के हाथों रखवाई। गुरु अर्जन देव जी ने सब गुरु महाराज की वाणी का संपादन भी किया और आदि ग्रंथ का रूप दिया। गुरु अर्जन देव जी सिख धर्म के प्रभाव को तेजी से फैला रहे थे, नए नए केंद्र नए नए शहर बसा रहे थे। गुरु महाराज हलीमी से राज करने यानी कि दमन मुक्त भेदभाव मुक्त शासन की प्रेरणा दे रहे थे। ये सब उस वक्त की हुकूमत की आंखों में खटकने लगा। लोगों की आध्यात्मिक और वैचारिक स्वतंत्रता के लिए गुरु महाराज जी को अपने जीवन की आहुति देनी पड़ी। इस घटनाक्रम के कारण छठे गुरु हरगोबिंद जी ने अपने सिखों को सिपाही बनने का उपदेश दिया, पीरी के साथ मीरी का महत्व समझाया, अकाल तख्त की स्थापना की, जहां हरमंदर साहब जी आध्यात्मिक जीवन का दीपक हैं, सांसारिक विषयों में अकाल तख्त में प्रजातांत्रिक गुरुमता द्वारा लिए गए फैसले पंथ का मार्गदर्शन करते हैं। सातवें गुरु हर राय जी और आठवें गुरु हरकिशन जी ने पंथ की सेवा करते हुए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। तत्पश्चात गुरुगद्दी पर नौवें गुरु तेग बहादुर जी विराजे, जिन्हें जग चादर और हिंद की चादर भी कहते हैं। लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता के लिए शासकों से लड़ते हुए गुरु महाराज ने दिल्ली में जहां गुरुद्वारा शीश गंज साहब हैं, वहां अपने शीश का बलिदान दे दिया। पिता की शहादत के बाद दशम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने जोत को संभाला और उसे खालसा पंथ का रूप दिया। खालसा पंथ की बुनियाद मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए रखी गई। गुरु गोविंद सिंह जी के पांच प्यारे इसी भावना का द्योतक हैं। ये पांच प्यारे देश के अलग अलग भाग से अलग अलग जात से आए थे। पंजाब लाहौर का एक खत्री, दिल्ली हस्तनापुर का एक जाट, उड़ीसा जगन्नाथपुरी का एक भिष्टी, गुजरात द्वारका का एक दर्जी और कर्नाटक बिदर का एक नाई। गुरु महाराज ने पहले उन्हें अपना सिख बनाया, फिर स्वयं उनके सिख बने यानी कि खालसा सजे। इंसानी कदरों के लिए लड़ते हुए गुरु महाराज ने अपना जीवन ही नहीं सर्वंश भी दे दिया। दशम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरुओं की परंपरा की अंतिम ज्योत के रूप में आदि ग्रंथ को गुरु की पदवी दी और सिखों से कहा, आज्ञा भई अकाल की, तबे चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। गुरु ग्रंथ साहब जी में विभिन्न प्रांतों भाषाओं और धर्मों के 36 महापुरुषों और संतों की वाणी का समावेश है। जैसे पंजाब से सूफी संत पीर बाबा फरीद शकरगंज, उत्तर प्रदेश से
कबीर, रामानंद, बेनी, सूरदास, बंगाल से संत जयदेव, राजस्थान से संत धन्ना, महाराष्ट्र से संत नामदेव, त्रिलोचन, पीपा, सिंधी संत सदना, संत रविदास, संत सेन, सभी का दर्शन है। आपको सादर समर्पित है ऐतिहासिक घटनाओं का ये नाट्य रूपांतर। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरपाव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैपांग गुर प्रसाद चप आद सच जुगाद सच हैवी सच नानक उसी भी सच। नवाब कपूर सिंह जी। की गल है मेहताब सिंह? नादिर शाह की फौजों से लड़ते हुए बहुत सारे खालसे जख्मी हुए हैं। निहत्थे हिंदू मुसलमान किसानों को बचाते हुए जस्सा सिंह अहलूवालिया जी को बहुत चोटें आई हैं। पुत्र, जस्सा सिंह अहलूवालिया को जिस दिन मैंने माता सुंदरी जी से लिया था, उस दिन माता सुंदरी जी ने उसकी पेशानी को चूम कर ऐसा आशीर्वाद दिया था कि ये नादिर शाही तलवारें उस शेर का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हरी सिंह। हाँ जी वीर जी। उस खिड़की नू बंद करने से कुछ नहीं होना। हाँ। कुछ नहीं होना। क्यों पुत्र जसा सिंह, क्या हुआ? बाबा जी, अगर इस नादिर शाही तूफान नू रोकना है तो दर्रा खैबर का दरवाजा बंद करना पड़ेगा। पुत्र, उठने की कोशिश मत कर, तेरे जख्मों से बहुत लहू बह चुका है, घाव गहरा है। इन घावों को मत देखो नवाब कपूर सिंह जी, चिंता तो मुझे अपने दिल पर लगे उन घावों की है जो हमारे मुल्क की आपस में टकराती हुई तलवारों ने हमें दिए हैं। हाँ। जिनकी वजह से आज कोई भी हमारे मुल्क को लूटता मारता निकल जाता है और हम रह जाते हैं खाली लाशें गिनते। वाहेगुरु, इस जस्सा से की जिंदगी किस काम की? अगर इसने गुरु के काज को नहीं पूरा किया, किस काम की ये जिंदगी? सबर कर। खालसा जी, बाहर बहुत सारे बेसहारा लोग आए हैं। पुत्र, गुरु का द्वार तो हमेशा खुला रहता है, चल
लंगर की तैयारी कर। तू आराम कर जसा सिंह। अरे नहीं बाबा जी, बाबा जी आप ही ने तो सिखाया है कि दाना पानी ता गुरुआ दा, पर टहल सेवा तो हमें ही करनी है। हाँ पुत्र, लंगर में हाथ पटा सकती हूँ? चंगा पागा वाली है, ए पेड़ी ले ले। मैं रोटी बेलती जाती हूँ, तू सेकती जा। कहाँ से आ रही है पहने? पिशौर से। खुदा कारित करे नादिर शाह को, वो बाद में पहुँचता है और उसकी दहशत पहले पहुँच जाती है। क्यों, हम तो हिंदू हैं, लेकिन तुम तो मुसलमान हो और नादिर शाह भी मुसलमान है, फिर भी वो तुम्हें नहीं बख्शता। जालिम का कोई दीन ईमान नहीं होता बहन, ना वो हिंदू होता है ना मुसलमान, वो तो सिर्फ जालिम होता है। खैर दफा करो उसे, हमें तो इस वक्त ये सोचना है कि लंगर के लिए पंगत बैठ चुकी है। चलो जल्दी करो जल्दी। हाँ दाला वाहेगुरु जी, प्रसादा वाहेगुरु, दाला वाहेगुरु जी, दाला वाहेगुरु जी, दाला वाहेगुरु जी, दाला वाहेगुरु जी, परसाता भाई गुरु जी, दाला भाई गुरु, दाला भाई, परसाता भाई गुरु। राम नाल भाई, ए गुरु दा लंगर है, कदे खत्म नहीं होंदा। वीर जी, हम तीन दिन से भूखे प्यासे आ रहे हैं, हम आगे आगे और कमबख्त नादर शाह का काफला पीछे लगा है। ओ भाई तुसी फिक्र ना करो, ए गुरु दा द्वार है, यहाँ डरने की कोई बात नहीं है। राम नाल खाओ। सतनाम वाहेगुरु, परसाता वाहेगुरु। पानी वीर जी, पानी दियो। हाँ जी, परसाता वाहेगुरु जी। लो पुत्र जी, पानी लो। परसाता वाहेगुरु जी, परसाता वाहेगुरु जी, प्रसाद वाहेगुरु जी। दुनिया हमें शहंशाह कहती है, मगर मोहम्मद शाह रंगीला तो मौसिकी का दीवाना है। मौसिकी हमारा दीन है, रक्स हमारा ईमान। आगाज हो। कृतक धुंधु ना तिट ता धा दिंदा का धा दिंदा का तिट धा दिंदा का तिट धा दिंदा फिर दे धा दिंदा का तिट धा धुन ता धा का तिट धा धुन ता धा का तिट धा धुन ता धा। बल मारे चुनरिया मैं कोलाल रंगा दे, बल मारे चुनरिया मैं को लाल रंगा दे, जैसे तोरी बगिया प्यारे ऐसे रे चुनरिया, जैसे तोरी बगिया प्यारे ऐसे रे चुनरिया। बल मारे चुनरिया मैं को लाल रंगा दे। रंग रंगीली और चटकीली, रंग रंगीली और चटकीली, आ
रंग रंगीली और चटकीली बन बनाई नार नवेली बन बनाई नार नवेली मोहम्मद शाह पिया सदा रंगीले मोहम्मद शाह पिया सदा रंगीले इंगीजी चुनरिया मई को लाल रंगा दे बलमारे चुनरिया मई को लाल रंगा दे आलमपना लाहौर से दीवान लखपत राय तशरीफ लाए और आपसे मुलाकात चाहते हैं। जब माँ बदौलत साज आवाज में मशगूल हो हमें परेशान ना किया जाए, आइंदा ख्याल रहे। जाओ भेज दो उसे। बन बनवाई नार नवेली बन बनवाई नार नवेली मोहम्मद शाह पिया सदा रंगीले मोहम्मद शाह पिया सदा रंगीले इंगीजी चुनरिया मई को लाल रंगा दे जैसे तोरी बगिया प्यार ऐसी रे चुनरिया जैसे तोरी बगिया प्यार ऐसी रे चुनरिया बलमारे चुनरिया मई को नाचीज लाहौर के सूबेदार जकरिया खान का पैगाम लाया है। गुस्ताख आलम पना के हाथों में पैगाम देना मना है। बंदा परवर इसे पढ़ने की जहमत तो गवारा करे। जो जहमत करते हैं वो बादशाहत नहीं कर सकते। जो कुछ कहना है मुख्तसर कहो। बंदा परवर नादिर शाह की फौजें काबुल फतह करने के बाद अब लाहौर की तरफ आगे बढ़ रही हैं। सूबेदार साहब ने कुमक तलब की है। अगर हमें दिल्ली से मदद ना मिली तो नादिर शाह की फौजों को दिल्ली पहुंचते देर ना लगेगी। दिल्ली? जकरिया खान से कहो कि लाहौर की हिफाजत खुद करे। नादिर शाह के लिए दिल्ली दूरस्त। दिल्ली बहुत दूर है, तुम जा सकते हो। बंदा परवर खान साहब ने इमदाद की गुहार की है। मदद मांगने वाला खुद हाजिर होता है, अपने प्यादे नहीं भेजता। गुस्ताखी माफ आलमपनाह, मैं प्यादा नहीं खान साहब का नमक ख्वार दीवान लखपत राय हूं। तो जाओ जाओ और लाहौर की हिफाजत में अपनी नमक ख्वारी का सबूत दो। आलमपनाह नादिर शाह की फौजें दिल्ली के करीब पहुंच रही हैं। करीब? करीब नहीं दूर, दूरस्त। जब नादिर शाह रास्ते में मिले तो उससे कह देना हनूस दिल्ली दूरस्त। मोहम्मद शाह पिया सदा रंगीले इंगीजी चुनरिया मई को लाल रंगा दे जैसे तोरी बगिया प्यार ऐसी रे चुनरिया जैसे तोरी बगिया प्यार ऐसी रे चुनरिया बलमारे चुनरिया मई को
अदबो आदाब छोड़िए दीवानी, ये बताइए दिल्ली से कितनी मदद मिल रही है? सूबेदार साहब, दिल्ली से खाली हाथ लौटा हूँ। मोहम्मद शाह रंगीला कहता है अपनी मदद खुद करो। क्या आपने उनसे दिल्ली की तरफ बढ़ते नादिर शाह के खतरे का जिक्र नहीं किया? जिक्र किया था सूबेदार साहब, तो जहां पनाह ने फरमाया हुनूज दिल्ली दूरस्त। दिल्ली दूरस्त, कितने अफसोस की बात है दीवान जी कि एक मुसलमान मुसलमान पर हमला करने आ रहा है और एक मुसलमान मुसलमान की मदद करने को तैयार नहीं। अगर हमने सिखों को अपना दुश्मन नहीं बनाया होता तो आज हम उनसे मदद मांग सकते थे। अब इसके लिए बहुत देर हो चुकी है सूबेदार साहब। खैर छोड़िए दीवान जी, दिल्ली जाए जहन्नुम, हमें अपनी सूबेदारी की सलामती की फिक्र करनी है। सूबेदार साहब, खबर है कि नादिर शाह की फौजें तेजी से बढ़ती चली आ रही, कई शहरों में कत्लो गारत का माहौल है। कौन है भाई? ठहरो। कौन हो तुम? यही तो तलाश है कि कौन हूं मैं। ये फालतू की बातें करके तुम नादिर शाह से नहीं बच सकते। हमें खबर मिली है कि यहां बहुत बड़ा खजाना छिपा है। खबर सच है मेरे भाई। हम वो खजाना देखेंगे। नहीं नहीं, अंदर किसी को तलवार के साथ जाने की इजाजत नहीं है। क्यों? क्योंकि तलवार की आवाज से हमारे दानिशमंदों के ख्याल में खलल पड़ता है, जो हजारों साल से हिंदुस्तान के फन को माला माल करते आए हैं। सिपाहियों, अंदर जाओ और निकाल लो इसका खजाना। किताबें ही किताबें मिली, कोई खजाना नहीं मिला। तूने हमसे झूठ बोला? ये तो सिर्फ किताबें हैं। ये सिर्फ किताबें नहीं है नादिर, ये सिर्फ किताबें नहीं है, ये सिर्फ किताबें नहीं है। इन किताबों में इल्म की वो दौलत है नादिर शाह, जो खूनी आंखों को दिखाई नहीं देती। इल्म? कैसा इल्म? इन किताबों में वो उपनिषद है नादिर शाह, जिन्होंने हजारों साल पहले दुनिया में ऐलान कर दिया था कि सारी कायनात एक कुनबा है। इन किताबों में वो गणित है जिसने पूरी दुनिया को गिनती सिखाई, जिसे तुम्हारे पुरखे हिंद सत कहते थे, यानी हिंदुस्तान का विज्ञान। इन किताबों में हमारे ऋषि मुनियों का वो ज्ञान है जिन्होंने जमीन पर बैठे बैठे आसमान की ऊंचाई को जाना, आसमान में घूमते फिरते चांद सितारों की रफ्तार और दूरी को नापा। सिपाहियों, जला दो इस बहके हुए इल्म को, आग लगा दो इन किताबों में। रुक जाओ। नादिर शाह, ध्यान रहे, इन किताबों में इंसानियत का वो ज्ञान है जो अल्लाह ताला से इंसान को मिला दे। इन किताबों में वो हिंदुस्तान है, वो हिंदुस्तान जिसे दुनिया की कोई ताकत फतेह नहीं कर सकती। क्या बकवास कर रहे हो? कई सालों से कितने हमलावर हिंदुस्तान को फतेह करते आ रहे हैं। क्योंकि वो हमारे मुल्क को जमीन का एक टुकड़ा समझते थे नादिर शाह। हिंदुस्तान जमीन के टुकड़े का नाम नहीं है, हिंदुस्तान इंसान के दिल में खुदाई नूर की तलाश का नाम है। हिंदुस्तान की तारीख लहू से नहीं, चरागों की लौ से लिखी गई है। तारीख तुझे भी याद रखेगी नादिर शाह, क्योंकि तेरा नाम एक वहशी दरिंदे की तरह इन कागजों में गर्क होगा। कमाल है, इतने नायाब खजाने को बचाने के लिए एक भी तलवार नहीं उठी। हमने अपनी तलवारों को पिघला कर लिखने के लिए कलमें बनाई है नादिर शाह।
हमने किसी गैर मुल्क को नहीं अपने आप को फतेह करने की कोशिश की है। हमारा हमला किसी गैर मुल्क की सरहद पर नहीं, अपने अंदर के गुरूर, अपनी नफरत, अपने लालच, अपनी हैवानियत पर होता है। हमने किसी दूसरे इंसान को नहीं, अपने अंदर के शैतान को गुलाम बनाना सीखा है। हिंदुस्तान सिकंदर का गुरूर नहीं, बुद्ध का ज्ञान और गुरु नानक देव की मोहब्बत है। हम बुजदिल नहीं नादिर शाह, हम समझदार हैं, क्योंकि हमारे पास खोने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ। और तेरे पास खोने के लिए इस तलवार के सिवा कुछ भी नहीं। कयामत के रोज उस रब की बारगाह में तू भी होगा और मैं भी। फर्क सिर्फ इतना होगा कि वहां तेरे हाथ में ये तलवार ना होगी। सोना, बहुत खूब। शाह ईरान, ये लाहौर किले की चाबी है, इसे आपकी खिदमत में पेश करके मैं आपकी मातहती कबूल करता हूं। वैसे आदमी अकलमंद हो, बहते हुए हवा के रुख को पहचानते हो। आज से तुम हमारे मुलाजिम हुए, वफादार रहोगे तो तुम्हारा सर तुम्हारी गर्दन पर रहेगा। काश कि मेरे पास वफादारी की जमानत के लिए कोई ऐसी चीज होती जिससे शाह ईरान मुझ पर भरोसा करते। वफादारी की जमानत के लिए तुम्हारे पास एक और चीज है। हुक्म करें बंदा परवर। बतौर जमानत अपने बेटे पेश करो। बेटे? हाँ ज़करिया खान। अगर वफादारी का यही इम्तिहान है तो बंदा परवर मुझे मंजूर है। शाहनवाज। अबू मैं ही क्यों, याया क्यों नहीं? क्योंकि ये मेरा हुक्म है। आज से तुम मुगलों के नहीं, ईरानियों के खिदमतगार हुए। तुम्हारी लाहौर की सूबेदारी बरकरार रहेगी। अब दिल्ली दूर नहीं। ये वो ही सर जमीन है।
अपनी या निशान से कदम कदम हसीन है।